हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा। एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा पाइथन में जेंगो सीरीज के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जेंगो होता क्या है। जेंगो जो है एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जो कि लिखा गया है पाइथन लैंग्वेज में। इट इज़ बेस्ड ऑन MVT, मीन्स की मॉडल व्यू एंड टेम्पलेट। ये होता है फ्रेमवर्क, डी जेंगो का फ्रेमवर्क है ये। जैसे जेंगो है, फ्लास्क है, वैसे ही जेंगो भी एक फ्रेमवर्क है। अब बात करता हूँ कि हम करेंगे क्या इस सीरीज में। हम इस सीरीज में बिल्कुल बेसिक से लेके एक प्रोजेक्ट की तरफ को मूव करेंगे और धीरे धीरे ये सारा काम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, कम से कम छोटा से छोटा बनाऊंगा जिससे कि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे। और आलतू फालतू की बात ना करते हुए सीधा काम की बात पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना इस सीरीज को। सबसे पहले आपने पाईचार्म, VS कोड, जो कोई भी आप एडिटर अच्छा लगता है आपको, वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने पाईचार्म ओपन करा। पाईचार्म ओपन करने के बाद फाइल में गए, यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करा। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे पाइथन प्रोजेक्ट वन के नाम से क्रिएट कर रखा है। आपने क्रिएट कर लेना है। उसके बाद हम आएंगे सीधा टर्मिनल में, ये जो आपको नीचे दिख रहा है। टर्मिनल में जाके यहाँ पे आप लिखोगे पिप इंस्टॉल डी जेंगो, एंटर प्रेस करना है। मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए इसके साथ। मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए मेरे को आ रहा है यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है जी, आपने ये कमांड लगा के इंस्टॉल कर लेना है डी जेंगो को। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे अपना जेंगो को इंस्टॉल कर लिया अपने पाईचाम में। इसके बाद अब हम जेंगो में अब वेब एप्लीकेशंस को बनाएंगे इस फ्रेमवर्क में, जेंगो में। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब अपना कुछ प्रोजेक्ट का नाम देंगे। तो प्रोजेक्ट का नाम देने के लिए या प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास में कमांड होती है जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे। और कमांड होती है स्टार्ट, सॉरी यहाँ पे मैं कमांड लिखूंगा डी जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। और आगे आपने लिखना है प्रोजेक्ट का नाम, जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट का नाम लिख देना। जैसे मैं अपना नाम ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, एंटर प्रेस कर। प्रोजेक्ट का नेम, इसको मैं रन करूँगा कमांड को और मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे जाके ये देख सकते हैं पाइथन प्रोजेक्ट जिस नाम से मैंने प्रोजेक्ट को क्रिएट करा, वो प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे डायरेक्टरी में आ जाऊँगा मैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, पा देख लो, रॉकी ठाकुर पाईचार्म प्रोजेक्ट, पाइथन प्रोजेक्ट। अभी मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी CD करके रजत में आऊँगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, हमारे प्रोजेक्ट में कुछ फाइल्स आ गई होंगी। यहाँ पे अगर आप ओपन करोगे तो देखो init asgi.py setting.py url.py wsg, ये कुछ फाइल्स आ गई हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो आपने क्रिएट करा है। ये जो manage.py है ये आपकी फाइल्स रिस्पॉन्सिबल है आपके प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए। ठीक है जी, init.py ये एम्प्टी मिलेगी आपको। ASGI and WSGI.py, ASGI का मीन्स मतलब asynchronous urls.py, ये रिस्पॉन्सिबल है URL मैपिंग के लिए। ये देख सकते हो आप URLs की जो फाइल्स है, ये init.py आपको खाली मिलेगी। setting.py ये इम्पोर्टेंट फाइल है, जो आप अपनी एप्स क्रिएट करोगे वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। अभी तो आपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करा है, अभी हम ऐप भी क्रिएट करेंगे। अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रन करवाऊँ, रन करवाने के लिए जैसा कि मैंने बताया manage.py जो आपको एप्लीकेशन को रन करवाने की रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे पाइथन manage.py रन सर्वर, पाइथन manage.py रन सर्वर।
इसको हमने रन करा, ये देखो हमारे पास आ गया ये यूआरएल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमें ले जाएगा। ये जो आपकी प्रोजेक्ट रन हो रहा है, ये आपका लोकल होस्ट के ऊपर रन हो रहा है। ये जो ये बताएगा, ये देखो द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये डी जेंगो का इनबिल्ट होम पेज है। बट अब हम चाहते हैं कि इस होम पेज की जगह हम अपना होम पेज बनाएं। जैसे कि हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट करा, वैसे ही ऐप को क्रिएट करने के लिए भी हमारे पास कमांड है। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, एक कमांड में रन करूंगा सर्वर चलाने के लिए। बट जो हम ऐप क्रिएट करेंगे उसके लिए हम लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप एंड ऐप का नाम। जैसे कि मैंने नाम दे दिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड में, ये हमारी आ गई ऐप। ये आपकी ऐप है, ये आपका प्रोजेक्ट है। अब डिफरेंस इसमें ये देख सकते हैं कि इसमें जो ये फाइल्स हैं इसमें भी हैं, लेकिन इसमें एक एडमिन डॉट पी वाई, व्यूज डॉट पी वाई। हमारा मेन काम होगा मॉडल्स डॉट पी वाई, एडमिन डॉट पी वाई, व्यूज डॉट पी वाई। अब जो भी हम अपने होम पेज में लिखेंगे, होम पेज में हमें शो करवाना है, वो हम लिखेंगे यहाँ पे व्यूज में, और उनको मैप करेंगे अपने यूआरएल के साथ। चलो आगे हम करते हैं। हम जैसे ही आपने इस ऐप को क्रिएट कर लिया, इसको अब हम सेटिंग डॉट पी वाई में फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पे जाके ऐप को इंस्टॉल कर देंगे। ये मैंने इंस्टॉल कर दिया, इसको सेव कर लेंगे। जनरेटर, मेक श्योर कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अब आपके पास ये व्यूज डॉट पी वाई नाम से एक फाइल है। अब यहाँ पे हम अपने व्यूज लिखेंगे कि कैसी हमारी ऐप की फंक्शनैलिटी होगी, क्या व्यूज होंगे, कि क्या हम अपने होम पेज पे दिखाना चाहेंगे, वो हम फंक्शनैलिटी यहाँ पे करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, इंस्टॉल करेंगे फ्रॉम, इंस्टॉल नहीं करेंगे, यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे फ्रॉम डी जेंगो .htdp ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखा, डेफ होम के नाम से मैंने फंक्शन लिखा और उसमें रिक्वेस्ट पैरामीटर को सेंड कर दिया। रिटर्न करा मैंने HTTP रिस्पॉन्स वेलकम टू डीजेंगो ट्यूटोरियल। अब जो ये मैंने फंक्शन लिखा व्यूज डॉट पी वाई में, इसको अब मैं यूआरएल के साथ मैपिंग करूंगा। मॉडल्स, सॉरी, जो हमारी प्रोजेक्ट की यूआरएल डॉट पी वाई फाइल है उसमें आएंगे और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले अपनी ऐप को। फ्रॉम जनरेटर इंपोर्ट व्यूज, जो हमारी ऐप का नाम है यहाँ से हमने इंपोर्ट करा है पहले व्यूज को, ठीक है जी। इसके बाद हम यहाँ पे मैपिंग करेंगे, यहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं रखूंगा इसको खाली, मैपिंग यूआरएल जो है। डॉट और उस फंक्शन का नाम जो हमने अपने व्यूज में बना के रखा हुआ। अब यहाँ पे समझेंगे, हमने व्यूज में एक फंक्शन लिखा, डेफ होम के नाम से फंक्शन बनाया, रिटर्न करा हमने उसमें कुछ, और उसके बाद हमने इसको यूआरएल के साथ मैप किया। मैप कैसे किया, यहाँ पे हमने पाथ दिया और व्यूज को, व्यूज में जो हमने फंक्शन लिखा है उसका नाम यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है जी। अब इसको मैं रन करवा के देखता हूँ। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर करके आप इसको रन करवाओगे, ये आ गया हमारे पास। इसको रन करते हैं, अभी देखो वेलकम टू डी जेंगो ट्यूटोरियल, जो आपका होम पेज है यहाँ पे लिखा रहा है, जो हमने यहाँ पे मैसेज को पास करा था। ये देखो, ये वेलकम टू डी जेंगो ट्यूटोरियल, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ऐसे ही आप एक और फंक्शन बना सकते हो। ये बना दिया मैंने एक और फंक्शन, डेफ पास के नाम से मैंने फंक्शन बनाया, रिटर्न HTTP। अब इसको मैं
पास करूंगा यूआरएल मैपिंग में, यहां पे पाथ बनाऊंगा, यहां पे एक देखने वाली बात है, यहां पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, जो हमारा ये रन हो रहा है प्रोग्राम यहां पे, ये यह देखो ये हमारा हो रहा है लोकल होस्ट पे। अब यहां पे मैं अगर कुछ नहीं दे रहा हूं तो मेरा ये ऑटोमेटिकली इसी के ऊपर जाएगा, इसी लोकल होस्ट पे जाएगा यूआरएल पे। लेकिन अब जो मैं यहां पे आया हूं तो यहां पे मेरे को कुछ देना पड़ेगा, यहां पे मैं अगर मैंने मान लो कुछ भी नाम दे दिया, यहां पे पास दे दिया, कुछ भी दे दिया, व्यूज डॉट जो मैंने फंक्शन का नाम रखा है, फंक्शन का नाम रखा है मैंने पास, उसको मैंने यहां पे मैं इसको सेव करा, रन करवा के देखते हैं। देखो पहले तो आ रहा है ये, चल रहा है ये। अब यहां पे अगर मैं यूआरएल को चेंज करूं और जो मैंने यूआरएल वहां पे दे के रखा है PASSSSS, तो जो मैंने वहां पे पेज नॉट फाउंड बता रहा है, ये क्या दिक्कत आ गई यहां पे, ये मेरे को एरर दे रहा है यूजिंग द यूआरएल। अच्छा जी, यहां पे हमने URL गलत दे दिया है, चेक करेंगे। ये देखो यहाँ पे हमने पास दिया, ये देखो URL, और वहां पे मैं दे रहा हूँ SSS, यहाँ पे एक एस कम करेंगे, और जो हमने ये देखो वेलकम टू इंडिया जो हम वहां पे पास दे रहे हैं उसका मैसेज यहाँ पे प्रिंट करेगा। ठीक है जी, तो इस वीडियो के लिए इतना काफी है, काफ़ी लंबा हो जाएगा। और आज हमने देख लिया कि Django कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसमें कैसे स्टार्ट क्रिएट प्रोजेक्ट करना है, फिर क्रिएट ऐप करनी है, उसमें व्यूज़ कैसे लिखने हैं, व्यूज़ को लिखने के बाद उसको यूआरएल के साथ मैपिंग करनी है, जो आपने ऐप बनाया उसको सेटिंग्स के अंदर लेके जाना है। अब जो ये हम यहाँ पे मैसेज पास कर रहे हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसी मैसेज को हम HTML के थ्रू लेंगे, HTML की फाइल से हम रेंडर करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ठीक है इस वीडियो में, थैंक यू।